एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसा फेस मास्क बनाना सिखाने वाली हूँ जो कि आपके पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स, एक्ने स्कार्स और किसी भी प्रकार के आपके स्किन पर दाग धब्बे हैं उनको हटा देगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्लियर और स्पॉटलेस बनाएगा। ये मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ फेस पैक है जो कि गर्मियों में बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फेस पैक को कैसे बनाया जाए। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेना है और मुल्तानी मिट्टी को इंग्लिश में फुलर्स अर्थ भी कहते हैं। अब आपको इसके अंदर एक चम्मच चंदन का पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर डालना है और चंदन का पाउडर इसमें डालने के बाद अब आपको इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसके अंदर आधा चम्मच विटामिन ई ऑयल डालना है और यहाँ पर आप विटामिन ई की कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं तो आप ऑलिव ऑयल या बादाम का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप कैप्सूल्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 से 3 विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ कर सकते हैं। और विटामिन ई ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर 2 से 3 चम्मच रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल डालेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ पेस्ट बने। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका होममेड मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगा। इस फेस पैक की कंसिस्टेंसी भी मीडियम होनी चाहिए यानी कि ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा रनी। तो इस फेस पैक को यूज़ करना बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ इसकी एक थिक लेयर अपनी स्किन पर लगानी है और इस पेस्ट को अच्छे से लगाने के बाद इसको ऐसे ही 20 से 25 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और जब ये अच्छे से सूख जाए तो इसको नॉर्मल पानी से धोकर अपनी स्किन को पैड और मॉइस्चराइज कर लीजिए। ये फेस पैक गर्मियों के लिए बेस्ट है क्योंकि इससे आपके पिंपल्स, एक्ने स्कार्स या किसी भी प्रकार के दाग धब्बे जड़ से ख़त्म हो जाते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद। आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी बहुत सारी ईजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज़ देखने के लिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें मेरे वीडियोस की रेगुलर और फ्यूचर अपडेट्स पाने के लिए।